पीटीआई अगर जेल में भी हो तो और फिर भी पीटीआई का बल्ले का निशान जो है बैलेट पेपर पर हो, तो विल पीटीआई बी एबल टू गेन सम सीट्स या मैनी सीट्स? हाउ विल यू टेक इट? देखें, बात यह है कि मैं तो अब अपना ग्लासगो में हूँ और मैंने तकरीबन सारी सियासी जमातों के वर्कर जो हैं मुझसे प्यार करते हैं। मैं कभी पार्टी लाइन पे सोचता नहीं, मैं सच्ची बात कर देता हूँ। कभी एक पार्टी को पसंद नहीं आती, कभी दूसरी को नहीं आती, कभी तीसरी को नहीं आती, लेकिन जो बात मैं कहता हूँ कहता। देखें, एक बात तो है कि पीटीआई का वोट जो है अभी इंटैक्ट है और बाहर भी मैंने ये देखा है कि उनकी सपोर्ट जो है ये सारे 9 मई के वाक्य के बाद और सारी चीज़ों के बावजूद उनकी सपोर्ट जो है कम से कम बरतानिया में तो मुझे उसमें कमी होती जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। ठीक, तो अब डिपेंड करता है कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स कैसे करते हैं, उनके कैंडिडेट्स कंपेन कैसी करते हैं, खान साहब कंपेन को लीड करते हैं या नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू लीड, नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं या लंदन में रहते हैं। तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इलेक्शन पे असरअंदाज कम से कम पंजाब लेवल पे होने। सो डू यू हैव एनी डाउट्स के मियां नवाज शरीफ इज नॉट कमिंग बैक? कोई अभी पता नहीं, कोई फाइनल चीज तो अभी कोई भी क्लियर नहीं है ना। सो यू हैव लाइक डाउट्स, राइट? सो यू हैव, इट्स नॉट माय डिसीजन पार्टी। नो, इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डिसीजन। सो एज अ पॉलिटिशियन, हम सुन रहे थे कि वो इसी महीने आना है लेकिन वो नहीं आए, तो अभी मैं तो इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता कि वो आएंगे या नहीं आए। मैंने कहा कि एक फैक्टर होगा उनके आने या ना आने का सियासत। ओके, सो अच्छा, एक और चीज़ ज़रा बताएं, क्योंकि आपके साथ बड़ी प्यार मोहब्बत रही है चौधरी परवेज इलाही साहब की भी, तो चौधरी परवेज इलाही साहब से शुजात साहब की मुलाकातें हुई जेल में भी, लेकिन अभी तक एज सच परवेज इलाही साहब जो है वो ही इज लाइक देयर, वेरी मच देयर, जो स्टार्स विच ही टुक फ्रॉम डे वन, ही इट सीम्स एज इफ अभी तक वो वहीं पे हैं, उसी स्टैंस पे कायम हैं। देखिए, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि सियासी मामलात तो जो उन्होंने आपस में डिस्कस किए हैं तो उस पे तो मेरी डिटेल में चौधरी शुजात से या सालक साहब से बात जो है वो नहीं हुई है, लेकिन मेरे इल्म में एक ही बात है कि जो फाइनल डिसीजन जो है जो नहीं हो रहा है उसकी वजह जो है, रूट काज जो है वो मूनस अलाई, मेरे ख्याल में उनकी सोच जो है वो मुख्तलफ है, तो इसलिए उनका ये फैमिली इशू है। बाकी मैं तो गुड लक उनको, मैं तो कहता हूँ कि सियासत में इकट्ठे हो ना हों लेकिन फैमिली को तो आपस में इकट्ठे होना चाहिए। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मूनस अलाई लुकिंग फॉर? यू नो, मेरे अपने ख्याल में मूनस अलाई जो है वो पीटीए के साथ रहना चाहता है और परवेज इलाही साहब जो हैं वो तो मेरे ख्याल में फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। अच्छा, सो एक कश्मकश वाली सिचुएशन है, एक जगह जो देखें फैमिली में भी अनसर्टेनिटी है, मुल्क में भी अनसर्टेनिटी है, अदारों में भी अनसर्टेनिटी है, तो हर चीज में अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी की सूरत हाल है हर जगह। सो बेसिकली मतलब कि इट्स मूनस अलाई वर्सेस चौधरी शुजात हुसैन साहब, ऐसे ही होगा ना? मूनस वर्सेस ना कहें, मेरे ख्याल में मैं आपको इसको जरा इजी कर दूं, डिफाइन आपके लिए आसानी हो जाएगी। परवेज इलाही वर्सेस चौधरी शुजात कोई इशू नहीं है, ठीक है। मूनस इलाही वर्सेस शाफे कह लें, सालक कह दें, इशूज हैं।